हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज होमस्केप्स। आज हम बनाएंगे असम की एक स्पेशल रेसिपी। फ्रेंड्स, आप लोग क्या इस सब्जी को पहचानते हैं? इसको हमारे यहाँ पे ढेकिया साग बोलते हैं। आप लोग के वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। इंग्लिश में इसको फिडल हेड बोलते हैं। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है और ग्रीन सब्जी होने के कारण हमारे हेल्थ के लिए, हमारे आइज के लिए तो सबसे बेस्ट ही है। तो ये हमारे असम की एक फेमस सब्जी है। इसको मैं आज स्विस स्टाइल में बनाऊंगी और हमारे यहाँ के असम के लोग इसको बहुत खाते हैं। हमारे लैंग्वेज में इसको ढेकिया बोलते हैं। तो आज मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। इसको कई तरह से बनाते हैं। इसको एलिफेंट एप्पल के साथ भी बनाते हैं, इसको आलू के साथ भी बनाते हैं। आज इसको मैं हमारे यहाँ की जो रेसिपी है स्विस स्टाइल में उसमें बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ढेकिया साग को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे। हम बिना चाकू इस्तेमाल किए भी काट सकते हैं। इस तरह से काट लेंगे हम। जो इसका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है इसको हम छोड़ देंगे। पहले हम इसको तोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसको धोएंगे अच्छे से, क्योंकि ये साग ना ज़्यादातर जंगलों में पाया जाता है और लोग इसको लगाते ही नहीं है, जंगलों से तोड़कर इसको सेल करते हैं। हमारे यहाँ पे जो लोकल मार्केट बैठ होता है, एवरी सैटरडे होता है, तो वहाँ पे जो गांव के लोग आते हैं बेचने के लिए, वही लोग ज़्यादातर ऐसी सब्जियों को लेके आते हैं। और ख़ासकर मुझे तो ऐसी सब्जियाँ बहुत पसंद आती है जो हमारे गाँव के लोग खाते हैं, गाँव के लोग बेचते हैं। जो लोकल सब्जी जो होती है, वेजिटेबल्स होती है, मेरे को वो सब सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। ये जो बाकी दूसरी सब्जियों से ज़्यादा मेरे को ऐसी सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो मैं एवरी सैटरडे जाती हूँ वहाँ पर ढूंढने के लिए कि मुझे कुछ अलग तरह की सब्जियाँ मिल जाएँ। तो इस बार गई थी तो मैं ये वाला लेके आई थी। हमारे ये असम में बहुत फेमस है ये सब्जी। ये देखिए, जहाँ तक आपको सॉफ्ट मिलता है ना, उसी तरह से इसको आप तोड़ते जाइए। इस तरह से चाकू की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको ईजीली इसी तरह से हम तोड़ सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह सारी सब्जी को मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। इसलिए इसको हम आलू के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको आलू के साथ नहीं बनाऊंगी, एक न्यू स्टाइल में बनाएंगे। तो चले, इसको मैं अच्छे से दो तीन बार धो लेती हूँ। इसको अच्छे से धो लिया, अभी चलिए हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। झटपट से तैयार हो जाते हैं, फटाफट तैयार हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे, दो चम्मच के करीब तेल डालेंगे। इसको गर्म होने देंगे हम। तो जब तक ये गर्म होता है तो मैं आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। तो मैं एक्चुअली बताती हूँ कि मुझे ना असम की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें मिर्च मसाला, मिर्च तो थोड़ा बहुत खाते हैं लेकिन मसाला वगैरह हम असम के लोग बहुत कम खाते हैं और ज़्यादातर ना बॉयल खाते हैं। मैं तो अरुणाचल में भी रहकर आ चुकी हूँ, तो मुझे ज़्यादातर ना बॉयल सब्जी बिना तेल की जो बनती है ना बॉयल, वैसी वाली सब्ज़ियाँ मेरे को बहुत पसंद आती है। तो लेकिन मेरी बेटी को ज़्यादातर मतलब ये सब पसंद नहीं आता, तो उसके लिए बनाना पड़ता है। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा ही तेल डालूँगी। और ख़ासकर ये हरी सब्ज़ी तो बहुत अच्छी होती है हमारे आँखों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। और आप लोग कभी मिले आपको अगर ये सब्ज़ी आप लोगों के वहाँ पर, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और अच्छा लगता है लोकल सब्जी, क्योंकि कभी कभी ही मिलता है ऐसी सब्जियां खाने के लिए। हम तो डेली जैसे भिंडी, बैंगन, तोरी, ये सब तो हम रेगुलर खाते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अलग तरह की सब्जियां भी खाने का मन करता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं चेक कर रही हूँ, तेल गर्म हो गया है, तो इसे मैंने एक कटा हुआ प्याज और कुछ हरी मिर्ची डाल दी है मैंने तीखा के लिए। इसको हम हिला लेंगे, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। मैं ये पहले भी बना चुकी हूँ बहुत बार, खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। तो जब तक ये बन रहा है तो मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ, जो जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं, कहाँ कहाँ से वॉच करते हैं ज़रूर बताना, कौन कौन से स्टेट से मेरी वीडियोस देखी जाती है। मैं तो असम से हूँ, तो आप लोग कहाँ कहाँ से हैं ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कोई वेस्ट बंगाल से हैं, कोई उड़ीसा से हैं, कोई हरियाणा, कोई दिल्ली, कोई यूपी से हैं। हाँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कौन कौन से शहर से देख रहे हैं मेरी ये वीडियो।
अगली वीडियो में आप लोगों के नाम मैं ज़रूर लिया करूँगी कि इस सब्सक्राइबर ने, इस मेरे फ्रेंड ने मेरी वीडियो वॉच की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो ये प्याज थोड़े से ब्राउनिश हो गए हैं, थोड़े से हल्के हल्के हो गए, तो वह अब इसमें जो हमने ये साग धो के रखा हुआ था इसको डाल देंगे। इसमें आलू नहीं डालेंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे हम। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एकदम थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि सब्जी जो होती है ग्रीन सब्जी पकने के बाद थोड़ा सा हो जाता है, तो उसमें हमें नमक एकदम हल्का डालना चाहिए कि बाद में तीखा ना हो जाए नमक। इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और इसको हम थोड़ी देर ढकने के लिए छोड़ देंगे। इसको थोड़ी देर हम ढककर पकाएंगे सब्जी को। बीच में हम इसको एक बार हिला लेंगे जिससे ये लगे ना। इसको फिर से हम 4 से 5 मिनट ढक के पकाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखो ये सॉफ्ट हो गई हैं, पक चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें अंडा डालेंगे, अंडे के साथ बनाएंगे इसमें हम। हम 2 अंडे डालेंगे इसमें इस तरह से। इसको हम बनाएंगे। हिलाते रहेंगे जिससे ये लगे ना, जैसे आप अंडे की भुर्जी बनाते हैं उसी तरह से बनाएं। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है, चावल के साथ खाएं इसको, खास कर चावल के साथ खाई जाती है ये रेसिपी, इसको ढेकिया रेसिपी बोलते हैं। इसको अंडे के साथ इस तरह से बनाने के बाद हम दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे हम, और ढक देते हैं इस तरह से। चलिए अब चेक करते हैं। वाओ खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए पूरी तरह से पक गया है, हमारे अंडे भी पक गए हैं। इसको अब गर्मा गर्म चावल के साथ हम सर्व करेंगे। देखिए कितनी झटपट तैयार हो गई, ना कोई झंझट ना कुछ, फटाफट से बन गई। खाने में भी टेस्टी, हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये सब्जी। खाने में आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, आसाम की स्पेशल सब्जी है ये। इसकी खासियत यही है कि ये लोकल मार्केट्स में ज़्यादा बिकती हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा बेचते हैं।